Good morning students, we are going to discussion about the preposition in the previous lecture and now we are going to use of into. अपना टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, प्री प्लस पोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है. इन प्री यानी पहले और पोजिशन यानी स्थान, यानी जिस नाउन या प्रनाउन के पहले इनका उपयोग किया जाए उनके साथ अपना संबंधित प्रदर्शित संबंध प्रदर्शित करने के लिए. यानी प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करे. इसमें हमने एप पढ़ चुके हैं, इनटू पढ़ चुके हैं और इन पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ रहे हैं इनटू. कल हमने इनटू का भी एक रूल छोटा सा किया था. कौन कौन से पढ़ चुके हैं? वी यूज एक के अंदर हमने पढ़ा यूज ऑफ एट, बी में पढ़ा यूज ऑफ इन और अब सी वाला पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इनटू. इनटू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, इन का प्रयोग बेसिकली अंदर की स्थिति में होता है. एट का प्रयोग समय के लिए, बड़े शहरों छोटे शहरों के लिए, इनका प्रयोग बड़े शहरों के लिए. इस प्रकार इनके अलग अलग यूज जो होते हैं वो हम करते हैं. अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इनटू की. इनटू का यूज देखो, इनटू यानी इसमें सबसे पहली बात होती है इसमें गति होनी चाहिए, मोशन होना चाहिए. जैसे ही इज इंटर्ड इनटू द रूम, ही इज इंटर्ड इनटू द रूम, वह कमरे में प्रवेश करता है. इसका मतलब वो पहले बाहर था, उन्होंने गति करके वह कमरे के अंदर गया है. जैसे इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइडिंग एनीथिंग, मोशन इनसाइडिंग इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए. मोशन इनसाइड एनीथिंग, मोशन यानी गति, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, एनीथिंग यानी किसी वस्तु की, यानी किसी वस्तु की अंदर की तरफ गति की के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए. किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इनटू का यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल. फ्रॉग यानी होता है मेंढक, और मेंढक फेल इनटू द वेल, मेंढक है वो कुएं में गिर जाता है. तो पहले वो बाहर था, अब कुएं में गिरा है, तो कुएं के अंदर तक जाने में उसकी गति जो हुई है उसके संदर्भ में हमने इनटू का यूज किया हुआ है. दूसरा एग्जांपल, ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में छलांग लगा दी. इसका मतलब नदी में जो पानी बह रहा था वो पहले उसके किनारे पर थी, फिर छलांग लगा करके वो अंदर गई तो उसमें मोशन का भाव आया है, गति का भाव आया है, स्थान परिवर्तन का भाव आया है. इसलिए हमने यहाँ कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर दिया? इनटू का यूज कर दिया. अगला देखना, द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, लुटेरों ने मेरे घर को तोड़ दिया. तो लुटेरे बाहर से आए हैं, उन्होंने हमला किया है, घर को तोड़ दिया है, उनमें भी गति हुई है, इनटू का प्रयोग किया गया है. रूल नंबर वन, ये रूल नंबर जो वन है यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है. इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, या इसी बात को हिंदी में कहें, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेंढक कुएं में गिरा. सी ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने नदी में जंप लगाया. द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, लुटोरे ने मेरे घर को तोड़ दिया. इन एग्जाम्पल से ये बात भली बात ही स्पष्ट हो जाती है कि इनटू के अंदर मोशन या गति का भाव होना चाहिए. तीनों एग्जाम्पल्स में गति का भाव प्रदर्शित किया गया है. तो ये अच्छे से आपके क्लियर हो गया है, आई होप समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है. कहने का मीनिंग क्या है? एक माध्यम से यानी एक तरीके से दूसरे तरीके में परिवर्तन होना हो, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना हो, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, या दूध से दही बनना, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, या ये जो सारे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं
वो सारे के सारे किसका प्रयोग करते हैं, इनटू, क्योंकि इनमें अवस्था का परिवर्तन होता है, इनमें माध्यम का परिवर्तन होता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे और बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से, ध्यान देना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ये दो चीजें उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे में, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। परिवर्तन यानी बदलाव के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में रूपांतरित करो, अंग्रेजी में अनुवादित करो। मिल्क, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में परिवर्तित होता है। तो दूध की अवस्था बदली कि नहीं बदली, दूध की सिचुएशन अलग होती है और वो दही में परिवर्तित होता है, तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई, इसलिए इनटू का यूज। या हिंदी से जिस भी भाषा से है उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो उसका भाषा का रूपांतरण हो जाएगा। जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी है वो बर्फ में बदलता है। सामान्य अवस्था परिवर्तन हो रही है, तो अवस्था परिवर्तन के लिए इनटू का यूज किया जाता है। देखना एक बार, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, तो मान लो सपोज दैट हिंदी में लिखा हुआ, हमने कहा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो हिंदी का रूपांतरण किस में हो गया, इंग्लिश में हो गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन हो गया। मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड, दूध दही में परिवर्तित होता है, तो दूध से क्या बन गया, दही बन गया, तो अवस्था परिवर्तन हो गई। ट्रांस इनटू वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी है वो बर्फ में बदलता है, तो पानी की अवस्था परिवर्तित हो गई। इनटू, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इनटू का यूज का, के, की के अर्थ में होता है। इनटू का प्रयोग का, के, की, या तो का हिंदी में मीनिंग निकले, या के का, या की का, इस तरह का अगर मीनिंग निकले तो उस समय हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस निरीक्षक केस की इंक्वायरी या जांच कर रहे हैं, केस की इंक्वायरी या मामले की इंक्वायरी या जांच कर रहे हैं, तो की का मीनिंग निकल रहा है, तो का, के, की, इस तरह का अर्थ निकले, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। इनटू का यूज का, के, की के अर्थ में होता है। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस निरीक्षक ने मामले की जाँच की है, इसलिए यहाँ क्या आ गया, इनटू। दूसरा एग्जांपल देख लो इसका, द ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, द ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। उम्र दराज जो लोग होते हैं वो चरित्र की गहराई से पहचान रखते हैं। इनसाइट इनटू द मैन्स कैरेक्टर यानी मनुष्य के या मानव के चरित्र की वो गहराई से समझ रखते हैं। इनटू का यूज किसका, अगला है रूल नंबर फोर्थ, इनटू का यूज वर्ब के बाद होने पर, किसके बाद होने पर, इनटू का यूज वर्ब के बाद यानी वर्ब के बाद में होने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यदि इनटू के बाद में हम वर्ब के बाद में यदि इनटू का प्रयोग कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है, इनटू का यूज यदि वर्ब के बाद में हो ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ब्रेक, ब्रेक यानी होता है सिंपल सी तोड़ना, हमने लिख दिया ब्रेक इनटू, तो बिल्कुल पूरा का पूरा अर्थ बदल गया, जबरदस्ती प्रवेश करना, ब्रेक इनटू यानी जबरदस्ती मना करने के बाद में प्रवेश करना। डू इनटू, डू यानी करना होता है, डू इनटू यानी अनुवाद करना, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, जैसे ट्रांसलेट का मीनिंग दे रहा है, डू इनटू डिफरेंट मीनिंग देना। कुछ एग्जांपल्स इसके और लेते हैं, ईट इनटू,
ईट का मीनिंग होता है खाना, और इसके आगे हमने इंटू का यूज कर दिया, ईट इंटू का मीनिंग हो जाता है नष्ट करना। ईट इंटू का मतलब क्या हो गया, नष्ट करना, समाप्त करना। अब लेट का मतलब होता है चलने के लिए बोलते, लेट इंटू बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अनुमति लेना, अनुमति देना। लुक इंटू, लुक यानी देखना होता है, और लुक के आगे इंटू का यूज करते हैं, मीनिंग बन गया जांच करना। सी इंटू, सी का मतलब देखना, और सी इंटू लिखते ही क्या बन गया, विचार करना। सी इंटू यानी विचार करना। टर्न यानी बदलना होता है, और टर्न इंटू यानी अनुवाद करना या बिल्कुल बदलना, परिवर्तित कर देना। तो देखना, ईट के आगे इंटू लगने से नष्ट करना, लेट के आगे इंटू लगने से अनुमति देना, लुक के इंटू लगने से जांच करना, सी के आगे इंटू लगने से विचार करना, टर्न के आगे इंटू लगाने से अनुवाद करना। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके आगे यदि हम इंटू का प्रयोग करें तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। अब डी वाला पॉइंट पढ़ दें, अभी आपका इंटू का है वो कंप्लीट हो गया है। चौथी प्रकार की जो प्रीपोजिशन है जिसको हम ऑन के रूप में पढ़ेंगे, कौन सी प्रीपोजिशन है, ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है और बहुत ज्यादा यूज होती है। ऑन का यूज स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। यदि कोई चीज किसी वस्तु को स्पर्श कर रही है और वह उसके ऊपर की सिचुएशन स्थिति को बता रही है तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं, स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए। ऑन का यूज स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे देर आर, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, दो पुस्तकें टेबल के ऊपर है, यानी ये जो टेबल है उसके ऊपर पुस्तकें हैं, तो टेबल को स्पर्श कर रही है। देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर दो पुस्तकें हैं। द एच एम इज सिटिंग, एच एम इज सिटिंग ऑन व्हील चेयर, प्रधानाध्यापक जो है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। ऑन यानी ऊपर की सिचुएशन, लेकिन वो ऊपर बैठे हैं तो चेयर को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो स्थान स्पर्श के संदर्भ में ऑन का प्रयोग हुआ है। अगला रूल नंबर, अगर हम इस दो की बात करें, ऑन का प्रयोग का या पर के अर्थ में, का या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले होता है। यदि ऑन का प्रयोग का या पर के अर्थ में हो और वर्ड कैसा हो, अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को सूचित करने वाले, समय को इंडिकेट करने वाले शब्दों के पहले करते हैं, तथा उसमें क्या होता है, निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा प्रयोग होता है। यदि हमें टाइम की कोई निश्चितता का बोध हो जाए उस दृष्टिकोण से हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन मंडे, मंडे फिक्स होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए ऑन। ऑन ट्यूजडेज इवनिंग, अब ट्यूजडे फिक्स है और उसकी इवनिंग भी फिक्स है तो इसलिए ऑन आ गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, घटना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, उस घटना की सुबह, यानी घटना निश्चित डेट को हुई होती है और उस घटना के पहले की यदि हम बात करें तो इवेंट के पहले, द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट सुबह। ऑन द सेम नाइट, उसी रात, यदि किसी विषय में हम बात कर रहे हैं तो उसी रात का रेफरेंस आ जाए, ऑन द सेम नाइट। तो ऐसे वर्ब्स या जिनका प्रयोग का या पर के अर्थ में हो लेकिन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले आए, निश्चितता का भाव हो, तब इस प्रकार हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एक बार देखिए, ऑन का प्रयोग का या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले होता है, निश्चितता का भाव होने पर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम नाइट। अगले, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है, ऑन का प्रयोग विषय संबंध के अर्थ में होता है, किसी विषय के बारे में बात करें। देखना, द बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, किसी बुक पे चर्चा हो रही है और
बुक के बारे में कहा जा रहा है कि ये बुक तो इंग्लिश ग्रामर की है, द बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये किताब इंग्लिश ग्रामर की है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखो, ऑन का प्रयोग फुट पैर, हॉर्स घोड़ा, ए हॉर्स बैक घोड़े के पीठ पर, ए कैमल ऊंट पर, कैमल्स बैक ऊंट की पीठ पर, एन एलिफेंट हाथी, एलिफेंट्स बैक, बफेलो बफेलोज बैक, इस तरह के वर्ड आ जाए तो उनके पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। किसके साथ देखना, ऑन का प्रयोग फुट के लिए पैर, हॉर्स घोड़े पर, हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर, कैमल ऊंट पर, कैमल्स बैक ऊंट की पीठ पर, एन एलिफेंट हाथी पर, एलिफेंट्स बैक एलिफेंट की पीठ पर, या हॉर्स हॉर्स बैक हो गया, बफेलो बफेलो बैक हो जाएगा। इन सब के पहले किसका यूज करेंगे, ऑन का। देखो एग्जांपल, ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चल रहा है, ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चल रहा है, ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स, वह घुड़सवारी कर रहा था, ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्स, वह घोड़े पे सवारी कर रहा था। तो देखिए इन शब्दों के पहले, अब लास्ट देखना, ऑन का प्रयोग अधिकार रूप से, आधिकारिक रूप से, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव में, यानी आधिकारिक रूप से किसी संस्था का सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही इज मेंबर ऑन द कमेटी, ही इज मेंबर ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द स्टाफ मेंबर, ही इज ऑन द स्टाफ मेंबर, ही इज ऑन द स्टाफ मेंबर, तो किसी स्टाफ का सदस्य होने, ही इज ऑन द मेंबर ऑफ BSF, ही इज ऑन द मेंबर ऑफ आर्मी, इस तरह के कई शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।